आज जो मैंने जिन मौजूदात पे बात करनी है, बुनियादी तौर पर मैंने गुफ्तगू करनी है कि जो ये रीजन है इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट और ख़ासकर पाकिस्तान, उसमें जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो क्या है और उसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं माशरती सियासी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या हैं। उसके अलावा हम जो बात करेंगे कि जो क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद थी उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, क्या सोच थी, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप फेमिलियर हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपने इनमें से कुछ चीज़ें पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से इंटरमीडिएट तक पढ़ी हैं। लिहाजा अब ये होगा कि अब जो गुफ्तगू चलेगी वो ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू होगी जिससे आप कुछ ना कुछ वाकफियत पहले से रखते हैं, यानी जो बातें आपको पहले से पता हैं उनको हम चंद कदम आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसी मकसद के लिए ये गुफ्तगू होगी। लेकिन आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले चंद अल्फाज में मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दोहरा देता हूँ जो कल की गुफ्तगू का कहना चाहिए सब्सटेंस थे, जो कल की गुफ्तगू का बुनियादी नुक्ता थे। पहली बात जो हमने कही कल जो आज भी रेलेवेंट है वो ये है कि एक मुमलिकत की हैसियत से पाकिस्तान को हम कह सकते हैं 70 साल उम्र है इसकी, 1947 अगस्त में बना, आज 2017 में है, लेकिन एक कल्चरल एंटिटी की हैसियत से, एक सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन की हैसियत से इस खित्ते की उम्र बहुत लंबी है, जिसका हमने कल तफसीलन जो है जायज़ा लिया था कि किस तरह मुख्तलिफ मनाजिल को तह करती हुई तारीख जो है वो आज 2017 को पहुंचती है, और यही चीज़ है, यही मनाजिल हैं जिनको समझना जो है वो लाजिम है। जब तारीख इतनी लंबी हो, इतनी तवील हो, तो उसमें एक और चीज़ अहम होती है जो कि हमने कल कही कि डाइवर्सिटी, कि उसमें हम एक जो है नुक्ते की बात नहीं कर रहे, एक छोटे चश्मे की बात नहीं कर रहे, बल्कि मुख्तलिफ चश्मे हैं जो मुख्तलिफ जगह से निकलते हैं और वो बिलआख़िर इकट्ठे होकर एक बड़े दरिया या समुंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ अंदाज में सोचना है, देखना है, समझना है, और वो जो ज्योग्राफियाई कंडीशन से आपकी हैबिट्स, आपके रवैयों को फ़र्क पड़ता है, किस किस्म की सरजमीन है, किस किस्म के माहौल से आप गुज़र रहे हैं, ये सब की सब बातें वो पैदा करते हैं एक कहना चाहिए डाइवर्जेंस और डाइवर्सिटी जो है तारीख के अंदर। और उस डाइवर्सिटी को तस्लीम करना कि मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए लोग मुख्तलिफ अंदाज में सोच सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं, लेकिन जब मकसद कॉमन हो, जब आप एक ख़ास डेस्टिनेशन पे पहुँचते हों, जब आप एक नज़रिए के फ्रेमवर्क में काम कर रहे हों, तब वो डाइवर्सिटी के साथ साथ आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यानी असल चैलेंज आज जो हमें है वो ये है कि इस डाइवर्सिटी में एक सेंस ऑफ यूनिटी, इत्तहाद, तआवुन, मिल के काम करने का जज्बा, एक दूसरे पर एतमाद करना, ये वो जज्बे हैं जो कि हमने पैदा करने हैं, और ये हो जाते हैं। डाइवर्सिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, और नेशनहुड बनाना या कौम बनाना इसी चीज़ का नाम है। कौम बनाने का जो बुनियादी नुक्ता है जिस पे आज भी बात होगी वो ये है कि जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सोच रखने वाले, उन लोगों को हम शामिल करके एक नज़रिए, एक जद्दोजहद के फ्रेमवर्क में एक कौम बनाते हैं। यानी अप्रोच हमारी ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, मुख्तलिफ लिबास पहनने वाले लोगों को, मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों को शामिल करना है, निकालना नहीं है। यानी हमारी अप्रोच, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंक्लूजनिस्ट है, हम मजबूत होते हैं जब हम डाइवर्सिटी को अपने अंदर जज्ब करके एक डायरेक्शन में चलाते हैं, और हम कमज़ोर होते हैं जब हम डाइवर्सिटी को डिनाय करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो मुझे पता है बस, जो मुझे पता है वो आखिरी चीज़ है, और जो मेरी राय से एग्री नहीं करता वो काबिल कबूल नहीं। ये गलत रवैया है, इसलिए कि मेरी राय एक राय है, आपकी राय दूसरी राय है, तीसरी, चौथी, और जब ये इकट्ठी होकर हम सोचते हैं, हम फिक्र करते हैं, एक मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो राय जो मुख्तलिफ रायों को इकट्ठा करके बनती है वो एक सिंगल राय से हमेशा बेहतर होगी। कलेक्टिविटी जो है वो हमेशा बेहतर होगी, और यही वो जज्बा है जिसके तहत हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब हमने जो कल बात की थी कि वो हज़ारों साल पीछे तक सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन इस इलाके की, हमने ना सिर्फ मुल्तान के इलाके की बात की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात की, कि हज़ारों साल तक चली जाती है, और उसको हम शामिल करके अपने मौजूदा अंदाज में या मौजूदा तरीके से देखते हैं। तो इस तरह ये है कि आप अपने नुक्ता नज़र को पेश करते हैं, आप उसके लिए आप राय आमा को हमवार कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। यानी कुव्वत के इस्तेमाल से अपनी सोच को किसी पे अगर आप नाफिज करेंगे तो वो एक दुरुस्त रवैया नहीं। हाँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कीजिए, उसकी तबलीग कीजिए, उस लोगों को हम ख्याल बनाइए, आप आर्गुमेंट दीजिए कि भाई हाँ ये जो बात कह रहा हूँ ये बात इस चार आर्गुमेंट की बुनियाद पे है। असल चीज़ ये है कि आर्गुमेंट आप किस तरह बिल्ड करते हैं, केस आप किस तरह बनाते हैं। तो कोई भी आपकी राय हो, असल जो चैलेंज आपके लिए ये है कि क्या आप जो बात कह रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं एक अकली तकाज़ों की बुनियाद पर कायम किए हुई आर्गुमेंट पे, या आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, हिस्ट्री से आप एविडेंस लाते हैं और उस एविडेंस की बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि मेरे ख़्याल में ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए तो आपको ये भी तस्लीम करना पड़ता है कि हो सकता है दूसरा शख्स उसी इशू को किसी और एंगल से देखे। और हमने ये देखा है कि जो माशरती मसाइल होते हैं, जो माशरती मुश्किलात होती हैं, जिनका अभी मैं तज़करा करूँगा, उनको समझने के लिए आपको एक जामे और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है। सिंगल वेरिएबल एक्सप्लेनेशन नहीं होती आप, बल्कि उसके लिए एक जामे जो है अंदाज में देखते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हैं। ये ठीक है कि कुछ फैक्टर किसी ख़ास वाक़े के लिए ज़्यादा अहम होते हैं, किसी ख़ास वाक़े के लिए आप कहेंगे ये छः फैक्टर्स हैं, ये छः वजूहात हैं, लेकिन इनमें जो पहली वजह है या दूसरी वजह है वो ज़्यादा अहम है, वो मरकज़ी हैसियत या बुनियादी हैसियत रखती है। ये बात आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इल्म जो है वो आर्गुमेंट से आगे बढ़ता है, वो सोच से आर्गुमेंट से आगे बढ़ता है, और इसीलिए जब हम अपने माजी को समझने की कोशिश करते हैं तो बुनियादी मकसद ये होता है कि हम माजी से सबक लेना चाहते हैं। माजी का आप ग़ुलाम नहीं होते, बल्कि माजी से आप सबक लेकर आइंदा का नक्शा तैयार करते हैं, आइंदा की सोच को आप समझने की कोशिश करते हैं। और फिर ये है कि अगर आपने एक अच्छा माशरा बनाना है तो वहाँ जहाँ बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मसलन एक नज़रिए की ज़रूरत होती है, एक नज़रियाती फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ फिर आपको तज़िया करके उस माशरे की नौइयत को समझना होता है कि भाई आप किस किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं, वहाँ के हालात क्या हैं,
मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और वक्त के साथ ये माशरा किस तरह डेवलप होता रहा है, यानी तारीख से आप तजर्बा हासिल करते हैं। और इसी मकसद के लिए कल से हमने गुफ्तगू शुरू की थी। कल तो हम बहुत ही पीछे चले गए थे, हज़ारों साल पीछे चले गए थे, लेकिन आज जो गुफ्तगू होगी, यानी पहले गुफ्तगू है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी की, हम बात करेंगे ना सिर्फ मौजूदा पाकिस्तान की, थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री की हम बात करेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी को समझने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त मुसलमानों की जो शरह है पापुलेशन की, तकरीबन 97% है। ये अंदाज़ा है कि आजकल सेंसिस का सिलसिला चल रहा है, और अंदाज़ा ये है कि अराउंड 97% जो हैं वो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, और तकरीबन 3% या एक आध परसेंट, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, वो नॉन मुस्लिम हैं पाकिस्तान में। अगर आप माजी की तरफ चले जाएं, अगर आप 1971 से पीछे चले जाएं, जब मशरिकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, उस वक्त पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा थी। यानी ज़्यादा से मुराद ये नहीं थी कि प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी तब भी मुस्लिम्स की थी, लेकिन उनकी परसेंटेज जो थी वो ज़्यादा थी। 1947 में जब पाकिस्तान बनता है, तो उस वक्त जो पापुलेशन, मुस्लिम पापुलेशन, नॉन मुस्लिम पापुलेशन जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो 22% थी। 51 की जो पापुलेशन हमें मिलती है, पूरे पाकिस्तान में कोई 9-10% के करीब नॉन मुस्लिम्स थे, जो वक्त के साथ तादाद कम हुई है। फिर मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ 1971 में, उससे भी जो है वो तादाद मुसलमानों, गैर मुस्लिम्स की जो है वो कम होती है। और ये है कि अगर हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में चले जाएं, आज़ादी से पहले के पीरियड में चले जाएं, तब मुसलमान पूरे बर्रे सगीर में तकरीबन 25% थे। यानी जो बर्रे सगीर की पापुलेशन थी, मुसलमानों की पापुलेशन तकरीबन 25 या 26%, यानी 1/4 ऑफ टोटल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश दौर की हम बात कर रहे हैं, पापुलेशन थी। और इस वक्त पाकिस्तान में सिख थोड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उसके अलावा क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्ध, ये एक बड़े कैटेगरी है। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी कैटेगरीज भी हमारे यहाँ जो हैं वो मौजूद हैं। और इस सिलसिले में एक चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, तो हमेशा उन्होंने जब भी ये बात की, हमेशा उन्हें इस बात का एहसास था कि आज़ाद पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स होंगे। और यही वजह है कि अगर आप 1940 की करारदाद को उठाएं, उसको पढ़ें, तो जहां उसमें एक होमलैंड का तसव्वुर है कि मुसलमानों का एक अपना घर या मुमलकत होनी चाहिए, वहां एक बड़ी क्लियर कमिटमेंट है नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कि पाकिस्तान में उनके हकूक होंगे, पाकिस्तान में उनको तहफ़ुज़ दिया जाएगा। क्योंकि तसव्वुर ये था कि जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट स्टेट बनते हैं 1947 में, जहां पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स होंगे, वहां हिंदुस्तान में मुस्लिम्स होंगे, और पाकिस्तान की लीडरशिप, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो ये समझते थे कि ना सिर्फ पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को गारंटीज़ दी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उन मुसलमानों के हकूक की गारंटी देगी जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। यही वजह है कि 1940 के रेजोल्यूशन में, उसके बाद अगर 1940 से 1947 तक आप आते हैं, तो मुस्लिम लीग लीडरशिप को इस बात का एहसास है, और बार बार वो यकीन दिलाते हैं कि जो भी यहाँ रहेगा उसको, ठीक,
जो भी उनका ख्याल ये था कि जो भी इस खित्ते में यानी पाकिस्तान में होगा उनको जो है इक्वालिटी के बुनियाद पे हकूक़ दिए जाएंगे। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में ये कमिटमेंट मौजूद थी कि जो लोग यहाँ रह जाएंगे जो मुसलमान नहीं हैं उनको उनके हकूक़ जो हैं वो दिए जाएंगे। अब आप जो है आज़ादी के बाद आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का उठाइए, इस वक्त 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर इससे पहले के कॉन्स्टिट्यूशन भी आप उठाएं 1962, 1956, उन सब में ये गारंटी मौजूद है कि वो अपने मज़ाहब को फॉलो कर सकते हैं। हमेशा से ये हक जो है ये आईन में रहा है और इक्वल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आईन के अंदर मिलता है कि वो भी उसी तरह शहरी हैं। ठीक है उनका मज़हब मुख्तलिफ है, उनकी इबादत मुख्तलिफ हैं, उनके तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आइनी तौर पर उनको इक्वल सिटीज़नशिप का तसव्वुर जो है वो हमें जो है वो नज़र आता है। और आज अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हम जिस रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करते हैं, एक तरह रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको एक मौका प्रोवाइड करती है पाकिस्तान का इमेज बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए। देखिए कल एक सवाल भी हुआ था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, क्योंकि मैंने ये इशू रेज़ किया था कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, तो क्वेश्चन भी था सॉफ्ट इमेज के ऊपर। तो सॉफ्ट इमेज के अंदर जहां आप आर्ट की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, आपके शहरियों ने जो अच्छा काम किया होता है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की होती हैं, मुख्तलिफ़ जो शोबा है ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल की होती हैं, उनको हम बैन अल-अक़वामी सतह पर पेश करते हैं ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी कौम का दुनिया की जो तरक्की है उसमें एक पॉजिटिव हिस्सा है। इसी तरह जो आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जितनी पुरानी आपकी हिस्ट्री है, उससे भी एक पॉजिटिव इमेज आप इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये वो सरजमीन है जिसकी जड़ें जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे पहले के पीरियड में चली जाती हैं। वहाँ आप एक रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाकर कि आपके यहाँ ये एक मुस्लिम प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी मुल्क है, 97% यहाँ पे मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद जो थोड़ी सी माइनॉरिटीज़ हैं हम उनको उनका जो सही मुकाम है, जो सही उनको इज़्ज़त आइन कहता है, सही इज़्ज़त जिसका तज़करा कायदे आज़म ने किया है, हम वो गारंटी करते हैं। तो इस तरीके से आप एक बड़ा पॉजिटिव प्रोजेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप गौर करें कि एक दो मज़ाहब के अहम जो मज़हबी मुकामात हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। मसलन सिक्स का मैंने बहुत ब्रीफली कल तज़करा किया था कि सिखों के जो मुकद्दस मुकामात हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं। दो ऐसी उनके गुरुद्वारे हैं पुराने जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, लेकिन जो बुनियादी उनके जो गुरुद्वारे हैं और उनके जो मज़हब को शुरू करने वाले लीडर हैं, उनकी जाए पैदाइश, उनका ज़्यादा वक्त इसी इलाके में गुज़रा है जो आज पाकिस्तान है। और इसीलिए आप अगर अखबारात पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि सिखों के बड़े बड़े जत्थे ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाकी दुनिया से, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से आते हैं। बल्कि अभी चंद दिनों में आप देखिएगा, अगर अखबारात फॉलो करें तो मेरा ख़्याल है अगले ही हफ्ते सिखों की बहुत बड़ी तादाद, मेरा ख़्याल है कई हज़ार सिख जो हैं वो यहाँ आएंगे लाहौर, और उसके बाद पंजा साहब और ननकाना साहब और मुख्तलिफ जगह जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आके देखते हैं कि उनके मुकद्दस मुकामात अपनी जगह कायम हैं, तो आप एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी को। और ख़ासकर ये इसलिए भी अहम होता है कि सिखों की सबसे ज़्यादा तादाद जो है आम तौर पे हिंदुस्तान से आती है,
और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा चलता है, पाकिस्तान को बुरा भला हिंदुस्तान में कहा जाता है। तो जब ये सिख हिंदुस्तान से आते हैं यहाँ मुकामात मुकद्दसा में वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मतलब लाहौर शहर में वो एक आध दिन गुजारते हैं क्योंकि एक उनका जो है होली प्लेस वो लाहौर के अंदर है, तो वहाँ आते हैं, ठहरते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो इससे आप उन लोगों के अंदर वो गुडविल क्रिएट करते हैं जिससे हिंदुस्तान हुकूमत का प्रोपेगेंडा निगेट हो जाता है। हिंदुस्तान हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान में तो आज़ादी नहीं है, लेकिन जो सिख यहाँ आया है वो यहाँ आके देखता है अपने मकामात मुकद्दसा को, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एवेक्यू ट्रस्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट का जो अदारा है वो लुक आफ्टर करता है इन सब गैर मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस को। तो जब उसको देखते हैं, जब वो वापस जाएंगे, वो एक तरह के आपके गैर सरकारी एम्बेसडर्स बन जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करते हैं। इसी तरह अगर आप रावलपिंडी से आगे चले जाएं, कल मैंने इसका बहुत ब्रीफ जिक्र किया था, टेक्सला है। अच्छा, आप सवात चले जाएं, सवात के अलावा अगर आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे, और बल्कि ये सिलसिला चला जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर, पेशावर के इर्द गिर्द, फिर ट्राइबल एरिया, फिर आप अफ़गानिस्तान में चले जाएं, वहाँ आपको बुद्धिस्ट दौर के स्टोन कार्विंग, पत्थरों पे चीज़ें बनाई हुई, पत्थरों पे शक्लें बनाई हुई, वो मिलती हैं, जो सवात के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में हैं और उधर वो हैं। और ये सब चीज़ें जो बुद्ध मत के फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत अहमियत रखती हैं, उनके लिए तारीखी हैसियत रखती हैं, तारीखी विरसा है उनका और मज़हबी विरसा भी है। और इस तरह अब हमने देखा है कि अच्छे खासे लोग जो हैं वो कोरिया से, खासकर कोरिया और जापान से यहाँ आते हैं टेक्सला और इधर। वो सिर्फ मसला सिर्फ ये हुआ है कि पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में माजी में इनक्रेज नहीं कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान में। अब ये है कि जब सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं तो इस तरह बुद्ध मत के फॉलोअर्स को हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त देती है कि वो ग्रुप्स की सूरत में, इंडिविजुअल नहीं आ सकते, ग्रुप्स की सूरत में आते हैं, और वो फिर आप इस्लामाबाद से फिर ऊपर पेशावर तक के दौरे वगैरह करते हैं। बल्कि यहाँ एक बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़े का हम तذکرہ कर दें कि जो पाकिस्तान में साउथ कोरिया का एम्बेसडर है जो इस्लामाबाद में होता है, उसने एक आर्टिकल लिखा जो पाकिस्तान के अखबार, अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पिछले साल छपा है, वो उसकी डेट भी मेरे पास है। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी जो कम से कम यहाँ बहुत कम लोगों को पता थी। उसने ये लिखा कि मौजूदा साउथ कोरिया का पाकिस्तान से एक बड़ा करीबी रिश्ता है, और वो रिश्ता ये है कि साउथ कोरिया में बुद्ध मत को जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस किया वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में एक छोटी सी जगह है, चार सद्दा के करीब, छोटा लाहौर, वो वहाँ से निकला है। जो बुद्ध मत का फॉलोअर, बुद्ध भक्षु जिसको हम कहते हैं, वो कहता एम्बेसडर लिखता है मजमून में कि वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के इस छोटे से गांव से निकला है, यहाँ से वो चीन गया, चीन से वो उस ज़मीन पे आया जिसको आज साउथ कोरिया कहते हैं, और फिर उसने वहाँ बुद्धिज़्म को प्रीच किया, बुद्धिज़्म की तबलीग की, लोगों को बुद्धिस्ट बना दिया। तो अम्बेसडर ये लिखता है साउथ कोरिया का उस एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल में कि ये एक तारीखी रिश्ता है कि हमारे यहाँ जो बुद्ध मत इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ये उस सरजमीन का एक फ़र्द है जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब ये मिसाल जो मैंने आपको दी है, इस मिसाल का मतलब ही यही है कि आप किस तरह पाकिस्तान की पॉजिटिव प्रोजेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे आप करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कुछ हिंदुओं के टेंपल्स भी पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर मौजूद हैं,
बल्कि जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आजकल बड़ा पैसा खर्च कर रही है, वही अवेक्यू ट्रस्ट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है अवेक्यू ट्रस्ट, वो कटास जो के जेलम से करीब है वहाँ उसको बाकायदा डेवलप कर रहे हैं, उसको ताकि हिंदुस्तान से लोग आएँ, देखें और यहाँ आके ये महसूस करें कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा बाहर होता है, चाहे वो अमेरिका करे, चाहे मगरब के ममालिक करें, चाहे वो हिंदुस्तान करे। तो इस तरीके से, इस तरह मेरा पॉइंट ये है कि जो मजहबी डाइवर्सिटी पाकिस्तान में है उसको हमें अपना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यही है कि जो लोग हैं वो देखें कि हम टॉलरेंट सोसाइटी हैं, मजॉरिटी 97% मुसलमान होने के बावजूद हम एहतराम करते हैं दूसरों का, और एहतराम जो है हमारे सिलसिले का जो है वो हिस्सा होता है। और जब बहुत सी जो नज़रियाती तहरीकें हैं, मसलन तालिबान ने कुछ इस किस्म के पुराने रिकॉर्ड को, स्टैचूज़ को इसमें अफ़गानिस्तान में जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह पॉइंट मेरा सिर्फ ये था इतनी लंबी गुफ्तगू का कि जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को हम किस तरह अपने लिए जो है वो स्ट्रेंथ बनाते हैं। एक और डाइवर्सिटी है, एक और तनोव है हमारे माशरे के अंदर, वो है ज़ुबानों का। मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, और ये कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, डायलैक्ट्स वो लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ममालिक ज़रूर ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंटली सिंगल लैंग्वेज कंट्रीज़ कहलाते हैं, यूरोप के कंट्रीज़ जो हैं प्रीडोमिनेंटली सिंगल लैंग्वेज हैं, छोटी छोटी और लैंग्वेजेस हैं लेकिन वो बहुत कमज़ोर हमें नज़र आती हैं। अगर आप ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले चले जाएं, तो आपको पूरे हिंदुस्तान में इतनी ज़ुबानें मिलती हैं कि उनकी गिनती मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है लैंग्वेज की इतनी डाइवर्सिटी नहीं जितनी इंडिया में या ब्रिटिश इंडिया में थी, ब्रिटिश दौर में थी। ब्रिटिश दौर में तो अंग्रेज़ी इस्तेमाल हुई सरकारी ज़ुबान के तौर पर। जब पाकिस्तान बनता है तो पहली सियासी डिबेट जो पाकिस्तान में हुई है ज़ुबान के हवाले से, वो ये थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बंगाली हो कि उर्दू हो। इस पे बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई, और फिर 1954 में ये फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान की दो कौमी ज़ुबानें होंगी, उर्दू और बंगाली। ये 1954 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ़ैसला है, दो कौमी ज़ुबानों का, उर्दू और बंगाली। और ये सिलसिला आपके यहाँ जारी रहा है 1971 तक। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होता है, तो उसके बाद जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसमें जो बात कही गई है कि उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी, उसमें एक और प्रोविज़न थी जिस पे अमल नहीं हो सका अभी तक, और वो ये थी कि अंग्रेज़ी को अगरचे ऑफिशियल ज़ुबान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंतज़ामात करेगी ताकि 15 साल के बाद हम ट्रांसफ़र कर जाएं अंग्रेज़ी से उर्दू को कौमी ज़ुबान के अंदर। तो ये था, लेकिन ये नहीं हो सका है, ये कोशिश हुई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि फ़र्क पड़ा है, अब उर्दू का इस्तेमाल जो है माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा है, सरकारी लेवल पर भी, नॉन सरकारी लेवल पर भी, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में या उर्दू इस्तेमाल हो रही है, बाईलिंगुअल हैं। लेकिन जिस ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस ज़माने में यूनिवर्सिटी की ज़ुबान अंग्रेज़ी थी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की ज़ुबान अंग्रेज़ी थी, अंग्रेज़ी ही में लेक्चर्स हुआ करते थे। मैंने ख़ुद जो है लेक्चर्स जो हैं अब आके उर्दू में गुफ्तगू शुरू की है, वरना यूनिवर्सिटी में हम लेक्चर अंग्रेज़ी में ही
दिया करते थे। ये चेंज तो आई है, लेकिन टोटल चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी वो यहाँ नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में और 1973 के फ्रेमवर्क में एक और पॉजिटिव बात जो पैदा हुई, जो पहले नहीं थी, पॉजिटिव बात ये पैदा हुई कि आप ये तो कहते हैं कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज है और अंग्रेज़ी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे या सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे या जो आपके साहिबान इख्तियार इक्तदार हैं उनके जो सरकारी काम होते हैं उनके लिए एक ज़ुबान के तौर पे चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एहसास सरकारी सतह पर हुआ और इसके लिए अमली इकदाम किए कि पाकिस्तान की जो दूसरी ज़ुबानें हैं जिनको अगरचे कौमी ज़ुबान नहीं कहते लेकिन उनकी अहमियत जो है अपने इलाके में बहुत है, बहुत लोग उसको बोलते हैं, उसमें एक तवील किस्म की लिटरेरी ट्रेडिशन मौजूद है, तो लिटरेचर के हिसाब से वो बहुत एनरिच्ड ज़ुबानें हैं। उन ज़बानों की भी तरवीज के लिए, उस ज़बानों की तरक्की के लिए हकूमत को और रियासत को तवज्जो देनी चाहिए। यानी एक प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में एम्फसाइज किया जाने लगा, जो पहले नहीं था, जो 50s के अंदर नहीं था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि ना सिर्फ ऑफिशियल ज़ुबान जो कि उर्दू है बल्कि जो बाकी ज़ुबानें हैं उनकी तरवीज की जाए, उनको भी डेवलपमेंट का मौका दिया जाए। और एक बात जो अच्छी हुई है वो ये है कि जब से आपका प्राइवेट सेक्टर टीवी आया है उसने इस सिलसिले में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है मुख्तलिफ ज़बानों को फ़रोग देने के लिए। अब हर इलाकाई, बड़ी इलाकाई ज़ुबान में टीवी चैनल आपको मिल जाता है और वो टीवी चैनल जो है उस ज़बान को उस इलाके में भी पहुंचाता है जहां वो ज़ुबान बोली नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि उस ज़बान को फ़रोग का एक नया मौका मिल जाता है, पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर आपका टीवी है, बल्कि आपका जो सरकारी टीवी है PTV उसके रवैये में भी बहुत फ़र्क है। अगर आप चले जाएँ ना कोई 30-35 साल पीछे तो जो लोकल ज़ुबानों में या दूसरी ज़ुबानों में प्रोग्राम बड़े कम नशर होते थे, अब ये है कि तकरीबन 30 या 35 ज़ुबानों के अंदर आपका रेडियो पाकिस्तान या PTV खबरें नशर करता है। और ये टेस्ट देखना होता है किस ज़बानों को आप फ़रोग दे रहे हैं, तो आप देखें कि जो स्टेट TV है, स्टेट रेडियो है, वो जो है कितनी ज़ुबानों में खबरें करता है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में। ये भी शो करता है सेंस ऑफ अकोमोडेशन, वरना जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था 47 के बाद तो हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो नेशनलिज्म का यूरोपी कॉन्सेप्ट था, वन लैंग्वेज, ये शुरू में ये जोर था। आज जो है ये है के डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस अहम होती हैं, कुछ कम अहम होती हैं, कुछ ज़्यादा अहम होती हैं, लेकिन तमाम ज़ुबानें अहम हैं। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि मेरा ख़्याल है जिसको जो है फ़रोग देना ज़रूरी है। उसके अलावा एक चीज़ जो तालीमी मैदान में है कि एक गैर मुल्की ज़ुबान हमेशा हर मुल्क में सिखाई जाती है, एक या दो। जैसे मैंने कल आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि यूरोप के अंदर भी अपनी ज़ुबान पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा कम से कम एक या दो गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना हाई स्कूल के लोगों के लिए लाजिम होता है। तो हमारे यहाँ भी आप ये कह लें अंग्रेज़ी एक कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर, उसके अलावा और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के सहूलतें कुछ कॉलेजेस में हैं, ख़ासकर बड़े शहरों के जो कॉलेजेस हैं वहाँ आपको फ़्रेंच या जर्मन की भी सहूलत मिल जाती है, लेकिन दूर दराज के कॉलेजेस में ये सहूलत नहीं है। तो अंग्रेज़ी सीखना जो है वो भी काफ़ी जो है वो अहम हो जाता है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि जब आप हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाते हैं, मसलन आप BA BS करें, MA MS कर लें, वो उर्दू में कोई ऐसा मसला नहीं, आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो बुनियादी अहम लिटरेचर है
तमाम डिसिप्लिनस में, वो अब भी आपको उर्दू में नहीं मिलता। लिहाजा जब आप एमफिल और पीएचडी के लेवल पे जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि अंग्रेज़ी का जानना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या जो एजुकेशन फील्ड में है, रिसर्च फील्ड में है, वो बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन पे जाके पीएचडी और एमफिल के लेवल पे आके आपको बेशतर चीज़ें अंग्रेज़ी में मिलती हैं, और इसलिए एक गैर मुल्की ज़ुबान या अंग्रेज़ी कह लें उसको समझना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बुनियादी जो नुक्ता ये है कि ज़ुबानें सब अहम होती हैं, ज़ुबानें सब हमारी जो है कौमियत का जो है वो निशानी हैं, और उन सब की कदर करना जो है वो हम सब का फ़र्ज़ बनता है, चाहे आप एक ज़ुबान बोलें चाहे वो दूसरी ज़ुबान बोलें, वो कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं हो।